यहाँ पे देखने में कितना अलग ही व्यू आ रहा है ये तो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एडवेंचर। माय नेम इज नकुल एंड आई एम अ ट्रैवलिंग ब्लॉगर। आज मैं एक नई जगह जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पता नहीं है ज्यादा कुछ। मैंने बस मैप में देखा और मेरा मन हुआ वहाँ जाने का। सकम्बरी लेक या सांबर झील बोलते हैं उसको। काफी सुंदर जगह यार, मैंने मैप में देखा, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आई। बाकी वहाँ पर जाकर पता चलेगा। बाकी मैंने जैसी जगह सोची है वैसी नहीं निकली तो यार दिल टूट जाएगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा मेरे को। मैं सबसे पहले पहुंच चुका हूँ, पूरी ट्रेन खाली है। ये देखिए अभी तक कोई भी नहीं आया। मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पे और चार्जर लगा हुआ है। रिंगस से कल मैं मात्र 1 घंटे पहुंच गया था जयपुर, और 1 घंटा लगता है यहाँ से जाने में। जो मैंने लेक देखी है बाय ट्रेन मैंने जयपुर रेलवे स्टेशन से ली है सकम्बरी तक की। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है मेरी ट्रेन जिसने मुझे अभी अभी छोड़ा है यहाँ पर। ये रेलवे स्टेशन और ये जगह मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं स्टेशन का। स्टेशन के पास ही एक छोटी लेक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इससे ही बड़ी लेक पीछे की तरफ है, इसके बहुत दूर जाके दिखेगी। इसके जस्ट पीछे की साइड देखो बहुत ज्यादा बड़ी लेक है। अब समझ में ये नहीं आ रहा मैं वहां तक जाऊंगा कैसे, यहाँ तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जिसपे हम जा सके। अभी मैं लेक की दूसरी साइड था, अब अपोजिट साइड हूँ। अरे यहाँ पे ये ट्रेन की पटरियाँ दिख रही है, ये कहीं ना कहीं से तो आ ही रही होंगी। और भाई साहब जरा ये ग्राउंड देखो, कितना बड़ा ग्राउंड है। पता नहीं यहाँ पे पहले लेक हुआ करती थी, मैप पे तो ये दिखा रहा है लेकिन अभी तो सूखा पड़ा है। जैसे अभी आपको एक सामने लेक दिख रही है, बहुत छोटी लेक है इस टाइम की, इससे बड़ी लेक इसके जस्ट पीछे है। काफी तेज हवा चल रही है वैसे यहाँ पे। अभी यहाँ पे कम से कम 4-5 लेक तो है, एक सबसे बड़ी है, एक उससे छोटी है, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी है। वैसे मैं सोच रहा था यहाँ पे किसी से लिफ्ट मांग लूंगा तब थोड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दूर दूर लिफ्ट के हालात भी नहीं है। वैसे इस जगह पे एक सुकून तो मिल रहा है, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। अभी इन चाचा से लिफ्ट मांगी थी, चाचा कह रहे क्या कह रहा है, यहाँ जो हवा चल रही है इसमें खुशबू सी आ रही है, नमक का पानी लग रहा है मेरे को। ये यहाँ पे भी शायद नमक वाला ही पानी होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी साफ हो रखी है यहाँ की मिट्टी। और इन पटरियों का यूज उसके लिए होगा, नमक को ढोने के लिए। उधर की साइड से नमक आती होगी और इधर की साइड नमक जाती होगी, फिर ट्रक में लोड होके फिर कहीं सप्लाई की जाती होगी। मेरे हिसाब से पटरियां तो किसी सामान के लिए बनी होगी, और यहाँ पे नमक का ज्यादा लग रहा है मेरे को। इतनी दूर से ट्रेन देखने में कितना बढ़िया फील होता है यार, मतलब कि इतना प्यारा सा लगता है ऐसे दूर से ट्रेन देखो तो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक और अच्छी बात है, यहाँ पे 5G नेटवर्क आ रहे हैं मेरे, तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ फॉलोअर्स को यहाँ का लाइव नजारा। अगर आपने फॉलो नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा। मेरे हिसाब से बेस्ट लोकेशन है मूवी वगैरह शूट होने के लिए, या मूवी का कोई गाना होना ऐसी लोकेशन में तो मजा सा आता है देखने में। फाइनली अब मैंने डिसाइड किया, मैं जहां तक चल सकता हूं एंड तक जाने की कोशिश करूंगा, और मेरे डिसीजन का रिजल्ट मुझे पता है कैसा होने वाला है। भाई कार बाइक वगैरह लिफ्ट वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहे, और ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पैदल पैदल इसे कवर कर सकते हैं। पूरा वहां तक जाने का मन है मेरा तो। वैसे काश कोई होता जो यहाँ पे मेरी फोटो खींच देता। काफी देर से चल रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी नहीं है दूर दूर तक। स्टेशन पे भी नहीं था यहाँ पे आसपास कहीं। मैं इस पटरी के कोने में चले जा रहा हूँ, और आगे जाके देखो ये डिवाइड भी हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ। वैसे मैंने राइट जाने की सोची है, मैं सीधे जाऊंगा। आप मेरे को कमेंट्स करना कि मैं लेफ्ट जाना चाहिए था या राइट। ये सड़क जा रही थी, मैं सड़क से नीचे की तरफ आ गया हूँ, मैं इधर की तरफ जाके देख रहा हूँ कि कैसा फील होता है। अभी तो थोड़ा जंगल और रेगिस्तान वाला फील आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि भाई साहब कोई शेर चीता आ गया तो तेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो भागना भी नहीं आता चीता से तेज। यहाँ पे मुझे पता चल चुका है पटरियाँ बहुत है, यहाँ पे नमक की फार्मिंग होती है, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर और आगे होगी शायद, पक्का कंफर्म नहीं हूँ। अगर मैं पक्का कंफर्म होता तो मैं पक्का आगे जाता, कैसे ना कैसे जाता ही। अभी फिलहाल मेरे को पास में एक मंदिर के बारे में पता चला है, उधर जाऊंगा। मंदिर जाने से पहले मेरे को एक बार ये कुआं देखना था कैसा दिखाई देता है पास से। ओ भाई कितना गजब कुआं है, पानी भरा हुआ है वैसे इसमें। ओए कर दी मैंने बालक वाली हरकत। इस कुएं में से पानी निकालते हैं और ये पानी यहाँ पे स्टोर करते हैं, और फिर उसमें से नमक निकाल के अलग कर देते हैं। पहले शायद इस पानी को सड़ाया भी जाता है। ये देखो वाइट वाइट लगा हुआ भी है, टेस्ट करूँगी अब। नहीं यार रहने दो, कभी बीमार बीमार पड़ गया तो हो गया मेरा काम। यहाँ पे अगर पैदल चल रहे हैं तो मिट्टी में पैर धस नहीं रहे, निशान बना रहे हैं अलग से, जैसे चलने में मिट्टी चटक रही हो। इस जगह के अलावा पास में एक मंदिर भी है, चलो उधर की तरफ दर्शन करने चलते हैं। यहाँ तो पानी का एक अलग ही कलर हो रखा है, गुलाबी गुलाबी सा हो रखा है ये तो। आया मैं उस सामने वाले रास्ते से यहाँ तक था, और उसके बाद मैं आगे गया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ इस वाले रास्ते से इधर की तरफ, क्योंकि मंदिर जाने का रास्ता यही है। मैंने ऐसा कलर पानी का पहले कभी नहीं देखा, पहली बार लाइव देख रहा हूँ, देखने में अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। मेन तो मैं इसे देखने आया हुआ हूँ इस टाइम, ये क्या हो रहा है, क्या बना हुआ है।
पानी निकल रहा है बहुत सारा और इसके साथ बहुत सारे झाग भी बन रहे हैं। क्या है वैसे ये? ये पानी यही है। हैं? पानी यही है। किस चीज़ का पानी है, कहाँ से आ रहा है ये? ये जम्बोक से आ रहा है, देवली आ रहा है। जम्बोक से आ रहा है, पीने का पानी है ये? तो नमक जमाने का पानी है ये? अच्छा, मैं सोच रहा गंदा पानी है कुछ। पानी में नमक जमाया जाता है अगर इसे इस्तेमाल करो तो? बढ़िया यार, यहाँ की मिट्टी देखना कैसे चटकी हुई है पूरी की पूरी। ये जो पानी आप देख रहे हो, जो ये निकल रहा है ना, ये नमक जमाने वाला पानी है। इसे अगर पानी में डालेंगे तो उसका नमक निकल जाएगा अलग। अभी मैं इधर की तरफ था, अब मैं क्रॉस करके इधर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे देखने में कितना अलग ही व्यू आ रहा है ये तो। अब हम पटरियों पे आ चुके हैं, इन पटरियों पे चलेंगे बड़ी वाली पे, और आगे से थोड़ा सा राइट मुड़ के वो मंदिर दिखाई दे जाएगा हमको। पीछे का रेलवे ट्रैक देखो क्या व्यू दे रहा है। आगे का व्यू तो आपने देख ही लिया है। ये मेरे लेफ्ट साइड का व्यू है और ये मेरे राइट साइड का व्यू है। अब मेरा पटरियों पर चल चल के दिमाग ख़राब हो गया, बहुत तेज़ भूख लग रही है, सुबह से अभी तक कुछ पेट में गया नहीं है। काफ़ी ज़्यादा शांत और सुनसान इलाका है यहाँ पे। पॉपुलेशन भी, मतलब जनसंख्या भी बहुत कम हो गई ऐसा लग रहा है। रेलवे स्टेशन के पास तो काफ़ी कम लोग रहते हैं मेरे हिसाब से। ये पटरियाँ मेरे को रेलवे स्टेशन के पास ही लेके जाएंगी। पहले मैं वहाँ से वहाँ तक पैदल पैदल आगे तक गया था और अब मैं इस रास्ते से वापस लौट रहा हूँ। काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है कि धूप का पता नहीं चल रहा। ठंडी हवा यहाँ के पेड़ों और पानी की वजह से चल रही है। बहुत चल लिया यार, थक गया चलते चलते। अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले। यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा है, देख के आता हूँ क्या है। ओ भाई, यहाँ तो लेटने और खाने पीने का व्यवस्था है। अबे यार, मतलब आप यहाँ पे आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो, और यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा है, इसमें लकड़ी लगा के आप अपने लिए कुछ भी पका सकते हो। किसी ने बनाया है ये ईंटें ऊपर लगा के और लंबी लंबी सीधी खड़ी करके। इसमें थोड़ा सा सीमेंट भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद जाऊँगा टेम्पल के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन भी आने वाली है। अगर मैं टाइम से मंदिर पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये दूसरी लेक है लेकिन इसका व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर तो आप रेगिस्तान लग रहा है, सफ़ेद रेत का। अभी एक अंकल मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया इसमें से पानी में से नमक निकालने का काम होता है यहाँ पर। चलो मैं कंफर्म हो गया, यहाँ पे पानी में से नमक निकालते, खारा पानी होता होगा जहाँ तक ये। फिर इसको एक जगह स्टोर करते होंगे, फिर उसमें वाला पानी मिलाते होंगे जो मैंने आपको दिखाया है। हाँ, मतलब वही झाग वाला। उसके बाद शायद सूख जाता होगा और उसमें से नमक अलग हो जाता होगा, वो इकट्ठा करके एकदम बेच देते होंगे। सही बिजनेस है, आप भी यहाँ पे आके कर सकते हो। सुकून का सुकून, शांति की शांति और मज़े का मज़ा और व्यू। ओ भाई गए, सही में गए, इतना प्यारा लगा मेरे को। एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप मत आना, मतलब कहने का ये है अपने प्राइवेट व्हीकल से आना। यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चलता पब्लिक प्रॉपर्टी वाला। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब समझ गए ना, वही मतलब कहने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट था। आप लोग आओगे तो कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा टेम्पू चलाना, कुछ तो पैसे कमाऊँगा और मेरा घूमने का घूमना भी हो जाया करेगा। यहाँ के घर मेरे गाँव की तरह बने हुए हैं, मेरे गाँव में भी ऐसे घर हैं, बट मेरे को ये नहीं पता ये सिटी में आता है या गाँव में लगता है। गाँव ही लग रहा है यार, यहाँ पे तो आसपास कुछ खाने पीने का भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा खुला खुला सा है।